brought to you by Spark 20 series smartphones. I'm जनता के दिल में खुद को पाते हैं और जब जनता आश्वस्त है कि इस बार अर्जुन डा को पार्लियामेंट में भेजना है हम लोग को तुम ताम कहते हैं कौआ कहते हैं कभी अंधा कहते हैं कभी मूर्ख कहते हैं बताइए तो मैं पी एच डी आदमी हूँ मैं मूर्ख हूँ अगर पीएचडी वाला भी मूर्ख हो तब तो बड़ा मुश्किल है पांचवें चरण का मतदान जारी है दूसरी सीतामढ़ी की सीट हॉट सीट बनी हुई है इस वक्त हमारे साथ हैं राजद प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय अर्जुन राय जी बिहार तक पे आपका स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्या स्थिति है कहाँ पा रहे हैं आप अपने आप को चूंकि वोटिंग जारी है और क्या लगता है आपको कितने आश्वस्त हैं जनता के दिल में खुद को पाते हैं और जब जनता आश्वस्त है कि इस बार अर्जुन डा को पार्लियामेंट में भेजना है तो मैं कौन होता हूँ इस पर टीका टिप्पणी करने वाला जनता ही तैयार है मुझे पार्लियामेंट भेजने किन मुद्दों पर मैदान में है चूंकि आप एक बार सांसद रह भी चुके हैं और तब जदयू के टिकट से आप सांसद थे किन मुद्दों पर हैं इस बार मैदान में सवाल पार्टी और व्यक्ति दो चीज है किसी भी पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति भी होता है बिना काम करने वाला भी होती है यूपीए की सरकार दिल्ली में थी और हम बिहार में जेडीयू से थे श्री <coughs> मनमोहन सिंह की सरकार से इतने पैसे और राशि हमने सीतामढ़ी में लाया जो सीतामढ़ी का आज तस्वीर देख रहे हैं वो मेरे ही कराया हुआ काम है नहीं तो आज तो ये गर्त में हुआ होता तो दस वर्षों से डबल इंजन की सरकार है एक काम इन लोगों ने नहीं किया तो जनता को भरोसा है कि अगर काम करना है विकास करना है तो अर्जुन राय को ही लाना होगा इसलिए जनता आज साथ खड़ी है मतदाता के बल पर ही तो मैं बोल रहा हूँ सीतामढ़ी चूंकि माता जानकी की प्रकाट स्थली है लेकिन अब तक वो दर्जा यहाँ को नहीं मिल सका सीतामढ़ी को क्या उम्मीद करें लोग यही तो कहना है मैं इनका सुपुत्र हूँ सीता जी का बेटा हूँ और मैं ही इस धरती को दुनिया लेवल पर ले जाऊंगा और ये तब जाएगा जब यहाँ के मतदाता अपना बटन लालटेन के सामने एक नंबर पर आज दबाएगी अब मुझे भरोसा है कि जहाँ वोटिंग हो रहे हैं जनता का प्यार और मोहब्बत मुझे, मुझे मिल रहा है सामने वाले प्रत्याशी को किस तरह ले रहे हैं आप अहंकार में चूर है हम लोग को तुम ताम कहते हैं कौआ कहते हैं कभी अंधा कहते हैं कभी मूर्ख कहते हैं बताइए तो मैं एम ए पी एच डी आदमी हूँ मैं मूर्ख हूँ अगर पीएचडी वाला भी मूर्ख हो तब तो बड़ा मुश्किल है इसलिए कि मैं शूद्र हूँ पिछड़ा हूँ तो वो उनके मनुवादी सोच में हर पिछड़ा मूर्ख ही होता है तो मनुस्मृति में लिखा हुआ भी है पढ़ने का ही राइट नहीं था तो मनुस्मृति से वो चलते हैं मैं तो अम्बेडकर के संविधान से चलता हूँ बड़े आदमी हैं फिर महाराष्ट्र में बिजनेस व्यापार करते हैं करते रहेंगे हम लोगों की सेवा चरण वंदन करते रहेंगे बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम है इसको कैसे देखते हैं और लोगों वोटरों से बिहार तक के दर्शकों से क्या अपील करना चाहें लोग निराश हो चुके हैं श्री नीतीश कुमार जी से और उनके साथी से लोग इनको हटाना चाहते हैं तो ये कई बार इधर उधर उलट पुलट करके कुर्सी पर आ गए जो जनता थोड़ा परेशान है लेकिन इस बार जनता उनको सबक सिखा देगी पार्लियामेंट में भी अब पार्लियामेंट के बाद इनकी पार्टी ही टूट जाएगी खेला ख़त्म हो जाएगा तो ये थे डॉक्टर अर्जुन राय सीतामढ़ी से राजद प्रत्याशी केशव आनंद बिहार तक